आखिर कौन है मैन मार्क्ड बाय फ्लेम? वन पीस के रिसेंट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किड किसी आदमी की बात कर रहा था जिसको कि फ्लेम्स के मार्कर्स है और उसी बंदे के पास में अपने वन पीस के वर्ल्ड का लास्ट रेड पोनीग्लिप भी है। तो वन पीस के वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जिनके कोई ना कोई बर्न स्कार हुआ हो या उनके बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं फ्लेम टाइप मार्कर हो। तो अभी के टाइम वन पीस के वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जिनके की बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं बर्निंग स्कार हो या बर्निंग मार्कर्स हो, जिनमें से मेन कैरेक्टर जैसे कि साबो, लूफी का फादर ड्रैगन, साथ में अपना सैंक्स, उसके पास में बर्निंग स्कार तो है ही नहीं लेकिन उसके चेहरे के ऊपर एक स्कार है, और सबसे मेन बंदा अपना हो गया जगुआर डी सोल, उसके पास में होने के चांसेस तो काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर 80% चांसेस ऐसे है कि भाई जो अपना लास्ट पोनीग्लिप है वो ड्रैगन के पास में हो सकता है, क्योंकि जब सेकंड टाइम हमने लास्ट रेड पोनीग्लिप के बारे में सुना था जब ब्लैक बेयर्स पायरेट्स अपने आकुजी से बात कर रहे थे, ये बात तब की है जब पायरेट आइलैंड के ऊपर आकुजी ने ब्लैक बेयर्स पायरेट्स को ज्वाइन करा था। वहाँ पर ब्लैक बेयर्स पायरेट्स आकुजी को बोल रहे थे कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी तो भाई एक बर्निंग स्कार है, कहीं ऐसा तो है नहीं ना कि वो लास्ट वाला पोनीग्लिप तुम्हारे पास में ही हो। जहाँ पर आकुजी उनको बोलता है कि ये वाला स्कार तो मुझे रिसेंटली मिला है। ये बात तब की है जब अकाइनू और आकुजी की फाइट हुई थी, जहाँ पर ब्लैक बेयर पायरेट बोलते कि वो वाला पोनीग्लिप तो तुम्हारे पास में हो भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास में तो कोई भी ब्लैक कलर की शिप नहीं है। वो लोग बोलते है कि जिस वाले बंदे के पास में वो लास्ट वाला पोनीग्लिप है उसके पास में एक ब्लैक कलर की शिप है, और जो भी उस वाले शिप के अंदर जाता है वो एक भवंडर के अंदर ही गायब हो जाता है। तो यहाँ पर 99% चांसेस ऐसे है कि भाई जिस वाले बंदे के पास में वो वाला रेड पोनीग्लिप होगा उसके पास में कोई ना कोई वेदर को कंट्रोल करने वाला डेविल फूड होगा, जैसा कि बोला जाता है कि ड्रैगन के पास में भी एक डेविल फूड है जिससे वो वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि हमने आज तक ड्रैगन के पास में कोई भी शिप नहीं देखी है, या होगी भी तो हमको आज तक उसको दिखाया नहीं गया है, क्योंकि ड्रैगन ज्यादातर टाइम पे उसके रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस के अंदर ही रहता है। रिसेंट चैप्टर के अंदर हमको ड्रैगन एक शिप के ऊपर देखने को तो मिला, लेकिन वो वाली शिप तो काफी ज्यादा छोटी लग रही है और ना ही वो कहीं से ब्लैक लग रही है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ड्रैगन बाद में जाके कोई बड़ी शिप ले ले, क्योंकि ये जो हमको दिखाया गया चैप्टर के अंदर ये तो एक फ्लैशबैक है जहाँ पर ड्रैगन काफी ज्यादा यंग था। तो बात रही सोल्डी जगुआर की, तो अभी फिलहाल हमको पता है कि वो अभी तक जिंदा है। जब लास्ट टाइम ओरा को जलाया जा रहा था तब उसने ओरा के ऊपर की जितनी सारी बुक्स थी उनको बचा के किसी शिप के ऊपर लेके गया था। ये बात हमको एगेड के ऊपर पता चली थी डॉक्टर वेगापंक से, जब वो रॉबिन को बता रहा था कि सोल्डी जगुआर अभी जिंदा है। यहाँ पर मैन मार्क बाय फ्लेम की बात शुरू हुई थी किड से, और वानो कंट्री के बाद में किड ने सीधा शांक्स के ऊपर अटैक कर दिया था। शायद से उसको लगा था कि भाई जो लास्ट रेड पोनीग्लिप है वो शांक्स के पास में है, लेकिन वहां पर भाई शांक्स ने उसकी पूरी की पूरी शिप को एक अटैक के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद में हमको ना ही किड का पता चला है ना ही शांक्स का पता चला है। तो रही बात साबो की, तो मुझे नहीं लगता कि साबो के पास में अभी वो रेड पोनीग्लिप हो सकता है, क्योंकि वो गॉड वैली के ऊपर तो गया था लेकिन वो बस कुमा को बचाने गया था, और उसने वहां पर जो जो चीजें देखी जैसे कि इमू समा के पावर्स और साथ साथ सारे के सारे फायरलर्स के भाई अपने डेविल फूड का फाइनल फॉर्म, और इसके बाद से हमको ज्यादातर कोई चीजें पता नहीं चली है और ना ही हमने साबो के पास में कोई ब्लैक कलर की शिप भी देखी है। तो आपको क्या लगता है कि लास्ट जो रेड पोनीग्लिप है वो किसके पास में होगा? यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सोल्डी जगुआर के पास में होगा या सेकंड अपने ड्रैगन के पास में भी हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन के पास में तो भाई वेदर को कंट्रोल करने वाली एबिलिटीज है, और जैसा कि ब्लैक बेयर पायरेट ने बोला था कि जो भी शिप उस वाले ब्लैक शिप के पास में जाती है वो समंदर के अंदर ही डूब जाती है। तो आपको इस वाले थ्योरी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।